Hello student, this is Shaheen and in this particular lecture video we are going to discuss another unit of BCOA जिसके अंदर हम लोगों ने business communication and entrepreneurship को discuss किया था BCOA okay इस topic को इस unit को discuss कर रहे हैं। ये BBA की unit है और ये इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। इसमें दो कैटेगरी बनी हुई है, पार्ट वन और पार्ट टू। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं पार्ट टू वाले कॉन्सेप्ट्स को, फिर हम डिस्कस करेंगे पार्ट वन वाले कॉन्सेप्ट को। ओके तो स्टार्ट करते हैं। दो लेक्चर हम ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं, नाउ द थर्ड लेक्चर इज सेटिंग अप अ स्मॉल बिजनेस। जब स्मॉल बिजनेस को सेट करते हो तो क्या क्या आपको इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है या क्या स्टेप्स होते हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स, इसके इंट्रोडक्शन, क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं, स्मॉल बिजनेस के लिए क्या स्किल्स होनी चाहिए, मार्केट रिसर्च किस हद तक ज़रूरी है। तो जैसे कि आप लोग आगे बढ़ोगे तो स्टेप्स के बारे में पढ़ोगे। स्टेप्स इन सेटिंग अप अ स्मॉल बिजनेस, जब स्मॉल बिजनेस होता है तो स्टेप्स होते हैं, उसको हमें फॉलो करना पड़ता है। जैसे सबसे पहले है कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा होगा तो उसमें भी हमने इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए थे। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन का मतलब जब आप आइडियाज़ जनरेट करोगे तो वो आइडिया की जनरेशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे, अलग अलग आइडियाज़ को जनरेट करोगे, उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब वो इन्फॉर्मेशन जो आप कलेक्ट करोगे वो एग्जिस्टिंग यूनिट की भी हो सकती है, बिल्कुल न्यू यूनिट की भी हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे सर्विस सेक्टर है, सर्विस सेक्टर कौन सा, मेडिकल ट्रांजेक्शन एंड कॉल सेंटर आजकल अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बिकॉज ऑफ हाई लेबर, यहाँ पे लेबर बहुत ज़्यादा है, तो लेबर बहुत ज़्यादा है की वजह से यहाँ पे चीप लेबर है। नाउ दिस इज़ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, एक ऐसा मकसद है, एक ऐसी मौका है जो MNC को बढ़ावा देता है, उनकी वेंडर्स की क्वालिटी को बढ़ाता है। अब आपके पास इन्फॉर्मेशन आ गई कि किस किस का स्कोप ज़्यादा है। अब आप क्या करोगे, इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करोगे सीक्वेंस वाइज, जैसे फर्स्ट इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट, सेकेंड इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट, थर्ड इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट। तो आप क्या करोगे, इसको एनालाइज करोगे और अपने अकॉर्डिंगली उसे जज करोगे, अपने अकॉर्डिंगली उसको पुट डाउन करोगे। तो सेकंड स्टेप इज़ ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन। ये आपको मदद करेगा कि आपका यहाँ पे जो टाइम है, जो आपका स्पेस है, जो आपकी ट्रेनिंग है, मैन पावर, वहाँ पे वेस्टेज ना हो सके। आपको एक चेकलिस्ट बनानी पड़ेगी। जैसे आप बनाते होगे कि कोई भी काम को, प्लान को शुरू करने से पहले आप बनाते हो ना, ये चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, अच्छा ठीक है ये हो गई, देन इसकी रिक्वायरमेंट थी ये भी हो गई, इसकी रिक्वायरमेंट थी ये भी हो गई, तो ऑल डन, ऑल सेट। ठीक है, नेक्स्ट वन इज, जैसे इसमें एग्जांपल भी दे रखा है, आप अपने एंड से पढ़ सकते हो उसको। थर्ड वन इज अपग्रेडिंग वोकेशनल स्किल्स। अब आपने इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया, उसको ऑर्गेनाइज किया, अब थर्ड पार्ट की ज़रूरत होती है कि आपके पास काफ़ी सारी स्किल्स होनी चाहिए, जिस भी प्लेटफॉर्म पे, जिस भी लेवल पे आप जाने चाहिए हो, उसके लिए आपको एक सेफ फील होना चाहिए। और जो आपका, अगर स्मॉल एंटरप्रेनर यूनिट की बात करूँ तो उस केस के अंदर रिस्क एक हिस्सा है, रिस्क लेना पड़ेगा। और ये कॉमन है, इट इज़ बेटर टू टीच अ मैन टू फिश देन टू प्रोवाइड हिम फिश एवरी डे। मतलब फिश को मतलब प्रोवाइड करने से अच्छा आप उसके बारे में पढ़ाओ उस इंसान को। ठीक है, आप वो चीज़ें प्रोवाइड बार बार आप उनको बता रहे हो। एक चीज़ है, जैसे कि मान लो आप खाना खिलाते हो किसी को, तो आप बार बार उनको खाना खिलाने के बजाय आप उन्हें सिखा सकते हो कि कैसे खाना खाया जाता है ना। एक एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझा रही हूँ। वंस योर क्लाइंट, सबसे पहले आपने SEO को जो सेलेक्ट कर लिया है, सेटअप कर लिया है, उसके बारे में अपडेट आपको लेनी ही चाहिए रेगुलर बेसिस पे। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़, उसके बाद आप क्या करोगे, फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन। आपको फाइनेंस की भी रिक्वायरमेंट होगी। अब ये फाइनेंशियल, जो भी आप फाइनेंशियल डेटा को कलेक्ट करोगे, फाइनेंस लेके आओगे, ये या तो आपके पर्सनल डेटाज हो सकते हैं या हो सकता है आप लोन वगैरह के लिए अप्लाई करो।
अब आपको देखना पड़ेगा वो कहाँ से आएंगे, सोर्स क्या है, मेरे पास अवेलेबिलिटी क्या क्या है, इन सब का अंदाज़ा लगाना, एस्टिमेशन करना, किन किन चीज़ों की मुझे डे टू डे ज़रूरत पड़ेगी, पैसों की वर्किंग कैपिटल की कितनी ज़रूरत पड़ेगी, कितना मेरी इनकम हो सकती है, कितने मेरी एक्सपेंडिचर होगी, ये सब कुछ मुझे सोच के चलना पड़ेगा। और कुछ अमाउंट में आपको पैसा साइड में भी रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको हो सकता है अगर आपने स्टॉक वगैरह परचेज़ किया हो तो उसका प्रीमियम आपको पे करना पड़ो, और आप लोन लिया हो तो हो सकता है उसका इंटरेस्ट वगैरह आपको पे करना पड़े, तो इसीलिए आपको ये सब चीज़ें दिमाग में रखनी पड़ेंगी। तो ये आप एक तरीके से देख पा रहे होगे कि ये इन्होंने एक चार्ट टाइप का बना दिया, जिसमें सीरियल नंबर है, डेट है, पर्टिकुलर कौन सा बिल नंबर है, क्या रिसिप्ट है, क्या पेमेंट है, और कितना बैलेंस बचा है ना। मार्केट ट्रेंड भी इम्पॉर्टेंट है, आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा कौन कौन से फील्ड में, मार्केट के कौन कौन से डिपार्टमेंट में ज़्यादा स्कोप है, ठीक है, किस किस के बारे में हम सोच सकते हैं, कहाँ पे फेलियर के चांसेस हैं, कहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, कहाँ पे कम अपॉर्चुनिटी है, कहाँ पे हम अनअफेक्टेड रहने वाले हैं, कौन से एरियाज़ में हम सर्वाइवल कर पाएंगे, ग्रोथ कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ में होगी, ठीक है, ये सब बताएंगे इसके अंदर। फिर आएगा आपका क्राइसिस मैनेजमेंट, ये क्या होगा द लास्ट, लेकिन ये लीस्ट स्टेप नहीं है। इसका मतलब है अगर आप वर्स्ट सिचुएशन में जाते हो तब भी आपको एक प्रिपेरेशन रखनी पड़ेगी, देयर इज़ नो हार्म इन बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर एनी इवेंचुअलिटी। अगर आप अपने आप को सेफ रख रहे हो, अपने आप को काफ़ी सारी चीज़ों से, अनएक्सपेक्टेड चीज़ों से पहले ही आप एक्सपेक्ट करके चल रहे हो, तो दिस इज़ अ पॉजिटिव थिंग, नॉट अ वर्स्ट थिंग, ठीक है। जब आप इंश्योरेंस कवर वगैरह कराओगे तो ये एक अच्छी सिचुएशन होती है बुरी बुरी सिचुएशन से डील करने के लिए। नाउ जो नेक्स्ट पॉइंट था वो ये था, स्मॉल बिजनेस के लिए आपके पास स्किल्स क्या क्या होनी चाहिए, तो आपके पास बिजनेस एनालाइज स्किल होनी चाहिए, आपके पास सेक्रीफाइज, ईगो को सेक्रीफाइज करना भी इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है, आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए, आपके पास कन्विंसिंग पावर होनी चाहिए, क्लैरिटी होना चाहिए, आपके पास सही समय होना चाहिए, आपके पास पोलाइटनेस होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, आप सेक्रीफाइस करने के लिए बहुत सारी चीज़ों को तैयार हो जाओ, आपके असेंशियल ट्रेड्स होने चाहिए, जो हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर भी कवर किया है। नाउ प्लानिंग तो आपको पता है, प्लानिंग का मतलब क्या होता है, प्लानिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पे हम फ्यूचर की डिसीज़न मेकिंग अभी करते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। सबसे पहले हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, अलग अलग अल्टरनेटिव को चूज़ करेंगे, उन अलग अलग अल्टरनेटिव को चूज़ करने के बाद उसमें से बेस्ट पॉइंट को चूज़ कर लेंगे, बेस्ट पॉइंट को चूज़ करके फिर उसके हिसाब से काम करना शुरू कर देंगे। तो ये क्या था आपका कि प्लानिंग कैसे करोगे आप, ठीक है, चीज़ों की। नेक्स्ट वन इज़ ऑर्गेनाइजिंग मैन पावर। जब आपके पास प्लानिंग आपने कर ली तो आप ये भी देखोगे कि आपके पास स्किल्ड लेबर कितना है, अनस्किल्ड लेबर की कितनी रिक्वायरमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स के बारे में आप सोचोगे। और अगर ह्यूमन रिसोर्स के बारे में आप सोचोगे, मैन पावर के बारे में सोचोगे, तो आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि उनकी रेमुनरेशन वगैरह कितनी रखनी है, कितनी पोटेंशियली अवेलेबल है, कितना फ्यूचर में अवेलेबिलिटी हो सकती है। तो यहाँ पे स्मॉल एंटरप्रेनर के लिए ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। हायर करने से पहले आप ये देखोगे कि उनकी मिनिमम वेजेस कितनी फिक्स की है गवर्नमेंट ने, है ना, डेली वेजेस कितनी होगी, मंथली वेजेस, क्योंकि वो वर्किंग कैपिटल को एनालाइज करने में हेल्प करेगा। तो जैसे कि यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है प्रोडक्शन किया, प्रोडक्शन गया सप्लायर के पास, सप्लायर से कंज्यूमर, कंज्यूमर के बाद वो इनपुट, इनपुट से SEU एंड देन रॉ मटेरियल, क्योंकि SEU फिर रॉ मटेरियल खरीदेगा, रॉ मटेरियल से फिर प्रोडक्शन शुरू करेगा। नेक्स्ट वन इज़ असिस्टेंस। असिस्टेंस का क्या मतलब होता है कि मेंटर वगैरह का क्या रोल है, नेटवर्किंग क्यों ज़रूरी है। तो एसोसिएशन इज़ लार्ज एस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन जनरली परसीव न्यू एंटरप्राइजेस। जो इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, ये नए एंटरप्राइज को रखने से
खतरा समझती है। रीज़न इज़ कि अगर आप कुछ भी ऐसा एक नेगेटिव पर्सन को हायर कर लोगे या एसोसिएशन के साथ कनेक्ट हो जाओगे तो कहीं ना कहीं आपकी इन्फॉर्मेशन लैक होने के चांसेस होते हैं। आपको उनके ऊपर निगरानी रखनी पड़ेगी सो दैट एक ट्रस्ट रिलेशनशिप तभी मेंटेन होगा। हर स्टेज ऑफ लाइफ में, एवरी स्टेज ऑफ लाइफ में देयर इज़ अ ट्रस्ट रिलेशनशिप। नेक्स्ट वन इज़ उन जैसे दिस मेंटर इज़ दियर फ्रेंड। ये जो आप मेंटर होगा ये कोई भी हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, फिलोसोफर हो सकता है, जो कि क्या करेगा, निगरानी रखेगा। ही शी विल बी देयर टू हेल्प। वो मदद करता रहेगा, उनको सारी चीज़ों के बारे में समझाता रहेगा। देन नेटवर्किंग इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। क्या होता है कि नेटवर्क की ज़रूरत होती है क्योंकि देयर आर एन नंबर ऑफ पीपल, एन नंबर ऑफ़ पीपल, एन नंबर ऑफ़ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आपको क्या करेगी, गुड्स वगैरह अवेलेबल कराएगी। कंज्यूमर के साथ आपका नेटवर्क अच्छा होना चाहिए। जब कोई प्रोडक्ट आए आप उनको अपडेट करोगे, ठीक है, जिससे डिफरेंट डिफरेंट मॉल्स के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। और एंटी सोशल होना चाहिए। टैक्सेशन डिपार्टमेंट भी यहाँ पे नेटवर्क का रोल प्ले करेगा। नाउ मार्केट रिसर्च की बात करूँ तो देयर आर एन नंबर ऑफ वेज और देयर आर एन नंबर ऑफ रिसर्च फैक्टर्स ऑल्सो। अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन को रिसर्च करके अपने मार्केट के अंदर लेके आते हो तो वो ज़्यादा इफेक्टिवली काम करेगा एज कम्पेयर टू बिना सोचे समझे। आपको नॉलेज नहीं है, स्किल्स नहीं है, उसके बारे में आपने कोई स्टडी नहीं की तो यू नीड टू कंडक्ट अ स्टडी। आपको स्टडी करनी पड़ेगी, आपको देखना पड़ेगा लोकल मार्केट की नॉलेज, सोशल इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, सप्लाई डिमांड फैक्टर्स क्या है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या है। जैसे कि इन्होंने बोला है राधा के बारे में, राधा एंड हर फैमिली वर ग्रेट क्राफ्ट्समैन। वो क्या करते हैं, डेकोरेटिव आइटम्स बनाते हैं वेस्ट क्लोथ पेपर से, और उनके अंकल इससे इम्प्रेस्ड हुए और राधा को एक ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में भेज दिया और वहाँ से हर फैमिली कैन अर्न अ लिविंग। यहाँ से वो एक अच्छी खासी लाइफ और स्पेंड करने लगे, ठीक है। राधा एक एग्जांपल इसके अंदर दे रखा है। तो यहाँ पे मार्केट रिसर्च एनी हाउ इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर, जिसके अंदर हम लोगों ने लेसन नंबर 5 को डिस्कस किया। अब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर करो वीडियो एज मोर एज पॉसिबल, ठीक है। बाकी आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलेंगे यूनिट नंबर 8 के साथ, जहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीखेंगे, स्मॉल बिजनेस का फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है। तो आप लोग थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी हैप्पी स्टूडेंट्स।